सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। आज हम 9th क्लास में स्केल नंबर 11 की कागज वाट करेंगे। इसकी लेंथ 75 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 45 सेंटीमीटर और हाइट फीस की 75 सेंटीमीटर है। तो आप कागज़ को किसी भी तरफ रख सकते हैं, लेंथ में भी और हाइट में भी, जिधर को आप चाहे रख सकते हैं। मैंने कागज़ को लेंथ में रखा हुआ है और इसमें जो फुट्टा है वो कहा गया है हमें 1.8 सेंटीमीटर। तो ये आप देख सकते हैं 1.8 सेंटीमीटर इसमें फुट्टा है, ये हमने इसमें यूज करना है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसकी लेंथ और ब्रेथ को जोड़ना है। तो 75 और 45 होता है 120, तो हमने 120 सेंटीमीटर पहले काटना है इसमें यहाँ से। तो ये आप देख सकते हैं ये 12 और 4 16 और 4 20, तो ये 112 था ना, तो 120 यहाँ पे है। उसके बाद हमने इसमें एक न्यून कोण लेना है यहाँ से, ये आप देख सकते हैं यहाँ से, इस तरह से आप देख सकते हैं। और हमने इस न्यून कोण जो हमने ले रखा है, ये तिरछी लाइन हमने ली है, इसके ऊपर हमने अपनी मर्जी से निशान लगाना है यहाँ से, तीन निशान लगाने, क्योंकि बची हुई शीट के हम बराबर तीन भाग करते हैं। तो एक यहाँ से, दो और तीन, इस तरह से हमने इसमें लिख देना है। ये आपका जीरो है, एक दो तीन, और जो तीसरा हमारा भाग है इसको हमने लास्ट पॉइंट के साथ यहाँ पे मिला देना है यहाँ से, इस तरह से। और ये हमारा है दो, तो इसी के समानांतर यहाँ से, इसी के समानांतर हमने रेखा लेनी है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से दो से। और अब हम लेंगे रेखा एक से, इसी के समानांतर यहाँ से, इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। और अब हमने इसको देखना है क्या है हमारे भाग जो है वो सही हुए हैं। तो यहाँ से हम प्रकार खोलेंगे, ये आप देख सकते हैं हमारी प्रकार खुल गई है, एक यहाँ से, दो और तीन, इस तरह से। और हमने क्या करना है, एक भाग हमने यहाँ छोड़ देना है इसमें पहले, और अब हमने काटनी है इसमें इसकी लेंथ, और लेंथ है हमारी 75 सेंटीमीटर यहाँ से, ये आप देख सकते हैं ये हमारा 72 और 75 यहाँ पे हमारा है, ये वाली जो लाइन है ये हमारी 75 की है। उसके बाद हमने एक भाग इसमें और छोड़ देना है यहाँ से, इस तरह से हमने एक भाग काट दिया है। और अब हम काटेंगे इसमें 45 सेंटीमीटर जो कि हमारी है ब्रेथ, ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये हमारा है 45 और 48, तो यहाँ पे हमारा ये 45 सेंटीमीटर आ जाता है और एक भाग हमारा पीछे बच गया है। इसके बाद नीचे भी हम ऐसा ही करेंगे, इसमें यहाँ से हमने एक भाग छोड़ना है, ये हमारा एक भाग हमने छोड़ दिया है। इसके बाद हम काटेंगे इसमें लेंथ, इसमें लेंथ है हमारी 75 सेंटीमीटर, उसके बाद हम काटेंगे एक भाग यहाँ से, एक भाग। और अब हम काटेंगे इसमें इसकी ब्रेथ, और ब्रेथ हमारी है इसकी 45 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ये हमारा है 45 सेंटीमीटर, इस तरह से हम इसको मिला देंगे हल्की लाइन से, भी हम इसको मिलाएंगे, चार लाइनें इसमें लगती हैं हमारी, ये तीन और एक चार, और चार ही लाइनें हमारी जो है वो हाइट की तरफ जब हम इसके भाग करेंगे तो उधर लगेगी। और इधर से हमने ब्रेड्थ और हाइट जोड़नी है,
और ब्रेथ और हाइट भी इसकी उतनी है, तो ये 120 सेंटीमीटर है। तो हमने यहाँ से 120 सेंटीमीटर काट दिया है और हम लेते हैं इसमें यहाँ से न्यून कोण। इस तरह से, और इसमें हमने बराबर 5 निशान अभी हमने इसमें लगाने हैं यहाँ से। चार और 5, इस तरह से। और जो पांचवा निशान है, 1, 2, 3, 4, 5, पांचवें निशान को हमने लास्ट पॉइंट के साथ यहाँ पे मिला देना है इस तरह से। इसी के समानांतर हम रेखा खींचेंगे 4 से, तीन, दो, एक, इस तरह से। और हम इसको देख लेते हैं क्या ये हमारा सही है। ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5 बिल्कुल सही है। हमने दो भाग जितने प्रकार खोलना है यहाँ से, और ऊपर से हमने दो भाग काट देने हैं यहाँ पे इस तरह से। और इसके बाद हम काटेंगे इसमें इसकी हाइट जो हमारी है 75 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम 75 सेंटीमीटर काट देंगे। ये हमारा 75 सेंटीमीटर है। उसके बाद हम काटेंगे इसमें एक भाग, तो एक भाग जितने हम प्रकार खोल देंगे यहाँ से, और यहाँ से हम एक भाग काट देंगे, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हम काटेंगे इसमें ब्रेथ, और इसकी ब्रेथ है 45 सेंटीमीटर, यहाँ से 45 सेंटीमीटर काटेंगे, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से 45 सेंटीमीटर काट के दो भाग हमारे पीछे बच जाते हैं। तो अब हमने वही प्रोसेस दोबारा से अपनाना है, और यहाँ से हमने दो भाग जितने हमने यहाँ छोड़े थे इतने हम प्रकार खोलेंगे, और यहाँ से भी हमने जो है वो इस साइड से इसमें यहाँ से हमने पहले दो भाग काटने हैं। उसके बाद हम इसमें काटेंगे इसकी हाइट, वो है 75 सेंटीमीटर, इस तरह से। हम काटेंगे एक भाग, यहां से फिर हम काटेंगे इसकी ब्रेथ, ब्रेथ है 45 सेंटीमीटर, यहां से इसके बाद अब हम इसको मिला लेते हैं। यहाँ पे हमारी लेंथ बनेगी, पहली लाइन जो है हमारी है ये एलिवेशन के लिए होती है, लेंथ की जो हमने काट रखा था। यहाँ से हम इसकी हाइट लिखने के लिए लगाएंगे। दूसरी लाइन हमारी जो है वो पूरी आएगी, ये हमारी बेस लाइन होती है, इसमें हम एक्स वाई लिखेंगे। इसके ऊपर हमने एलिवेशन और साइड बनानी है। ये हमारी तीसरी लाइन है, ये लाइन हम सिर्फ यहाँ पर लगाएंगे प्लान और प्रोजेक्शन के लिए। यहाँ हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देंगे, और लास्ट में जो लाइन हम लगाएंगे ये लाइन हम यहाँ पे सिर्फ यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ हम इसमें सिर्फ निशान लगा देंगे, और यहाँ हम इसको थोड़ा सा आगे लगा देंगे। यहाँ पे हमने इसको तिरछा मिलाना होता है, क्योंकि ये प्रोजेक्शन हमारा इस तरह से। और अब हमने जिसमें लाइट लाइन है इनको हम गाढ़ी कर देंगे, और जो फालतू की लाइनें हैं इनको हम यहाँ से मिटा दें इस तरह से। हम इसको डार्क कर देंगे, और ये जो हमारी बेसिक लाइन है इसमें हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स और वाई, और जो हमने यहाँ पे हाइट ब्रेथ लिखने के लिए लाइनें लगाई है इसमें हमने लिखना है यहाँ पे इस तरह से। और यहाँ पे इसमें लेंथ लिखेंगे
ये हम यहाँ लिखेंगे इसमें हाइट, और इसकी हाइट है 75 सेंटीमीटर। यहाँ है इसकी ब्रेड्थ और वो है 45 सेंटीमीटर। यहाँ इसकी लेंथ हम लिखेंगे 75 सेंटीमीटर। यहाँ हम इसमें लिखेंगे एलिवेशन, एलिवेशन साइड प्लान और प्रोजेक्शन। यहाँ पे हम इसमें स्केल कार्ड बनाएंगे, हम लिखेंगे स्केल नंबर 1.8 सेंटीमीटर, और ये जो स्केल है ये हमारी है 11। इस तरह से आपने इसको बनाना है, और इसका सॉल्व स्केल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये आपकी जो कागज बाट है बन के तैयार हो गई है। इस तरह से आपने इसको सफाई से बनाना है। 4 नंबर का ही काम इस तरह हो जाता है, 2 नंबर की आपकी कागज बाट है और 1 आपका है फुट्टा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग स्टडी।